Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है अखिल अरोड़ा और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फाइबर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइबर क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, उसका दिन का इनटेक कितना होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मिल सकता है। तो फाइबर होता क्या है कि फाइबर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो बेसिकली ये हमारे डाइजेशन और फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब क्यों चाहिए फाइबर? बेसिकली जो हमारा वेस्ट होता है, जो हम पूरे दिन में खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसमें उसका जो वेस्ट होता है उसको निकालने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपके खाने में फाइबर की कमी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपके जो फूड न्यूट्रिशन में है उसमें एक अच्छी क्वांटिटी में फाइबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये जो फाइबर होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है सॉल्युबल और दूसरा होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होता है जो हमारी बॉडी में वाटर के साथ खुल जाता है और इनसॉल्युबल वो होता है जो डायरेक्टली वेस्ट के साथ निकल जाता है। मैं आपको आगे ग्राफ में दिखाऊंगा कि सॉल्युबल कौन से होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर कौन कौन से ऐसे आपको फूड में से मिल सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका दिन का फाइबर का इनटेक कितना होना चाहिए। मेन के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 35 to 40 ग्राम और वुमेन के लिए जो है वो है 25 to 30 ग्राम। इतना फाइबर आपके फूड में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से, पहले तो ऐसे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें आपको एक अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मिलता है और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें आपको हाई फाइबर मिलता है। तो ये है टॉप 10 वो फूड जो कि इंडियन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और इसमें आपको मिलता है अच्छी क्वांटिटी में फाइबर। अगर मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट ली है 150 ग्राम्स जो कि ऑलमोस्ट है एक कप। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ब्लैक बीन्स, इसमें आपको टोटल फाइबर मिलता है 27 ग्राम्स जिसमें 15 ग्राम है सॉल्युबल और 12 ग्राम है इनसॉल्युबल। दूसरे नंबर पे है फ्लैक्स सीड्स जिसमें टोटल जो फाइबर है वो है 40 ग्राम जिसमें 10 ग्राम है सॉल्युबल और 30 ग्राम इनसॉल्युबल। तीसरे नंबर पे आते हैं ओट्स जिसमें 6 ग्राम है सॉल्युबल और 10 ग्राम है इनसॉल्युबल। उसके बाद है सनफ्लावर सीड्स जिसमें आपको मिलता है 4 ग्राम सॉल्युबल फाइबर और 8 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। उसके बाद है गुआवा, एक गुआवा में आपको मिलता है 3 ग्राम सॉल्युबल फाइबर और 1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। उसके बाद है किडनी बीन्स मतलब राजमा, उसमें आपको मिलते हैं 3 ग्राम सॉल्युबल फाइबर और 7 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। उसके बाद है ब्रोकली जिसमें आपको मिलता है 2 ग्राम सॉल्युबल और 1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। उसके बाद है कैरेट, कैरेट में भी सेम है 2 ग्राम सॉल्युबल और 1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। उसके बाद आता है स्वीट पोटैटो जिसमें आपको मिलता है 2 ग्राम सॉल्युबल और 2 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। और लास्ट में है एक एप्पल जिसमें आपको मिलता है 1 ग्राम सॉल्युबल और 2 ग्राम इनसॉल्युबल, ऑलमोस्ट 2 से 3 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन फाइबर के बारे में। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, अदरवाइज आपको मेरे आने वाली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।